ठीक है, देगी राइस तैयार करेंगे ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज उसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो अभी हम मतलब देगी राइस तैयार करने लगे हैं, ठीक है, उसका भी आप तरीका आसान तरीका बताइएगा ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको समझ आ जाए। सही है, थैंक यू। असे भाई इसमें ना पहले हमने घी और प्याज ऐड कर दिए। ठीक है, प्याज और घी इसमें आपने पहले ही ऐड करके रख दिया। ठीक ठीक ठीक, फाइनली आसे भाई अभी ना हमने चावल डाले खुले बर्तन में। ठीक है, अभी हम इसमें पानी डालेंगे इसको साफ करने के लिए। ये कच्ची वनस्पति है? ये कच्ची वनस्पति। अभी हम इसको अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसमें जो गंद है वो निकल जाएगा। ठीक हो गया। चावल को जितना ज़्यादा हो सके आसे वो उतना ज़्यादा धोना है, तो मतलब इसके अंदर ज़रा बराबर भी कोई चीज़ ना रह जाए। जी जी, अच्छे से अच्छी तरह साफ़ हो जाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर अभी कितना गंद है, ये जब फाइनली तैयार हो जाएगा आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो भाई जब आपको मैंने पहले दिखाया था तो इसमें कितना गंद था आपको शायद पता हो। जी, अभी बिल्कुल, आप बिल्कुल देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ हो चुके हैं। ठीक है जी जी, इसमें कुछ जरा जरा है, ये भी आप अच्छी तरह साफ कर लेंगे और ये भी अच्छी तरह साफ करेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है? इसमें इमली और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, इमली और लहसुन का पेस्ट जी, इसमें ज़रूरत ऐड करेंगे। ठीक हो गया। क्या ऐड कर रहे हैं आप? टमाटर और सब्ज़ मिर्च। अच्छा अच्छा, मैंने समझा लेमन है। यहाँ पे मेरे ख्याल में टमाटर हमें वो दूसरे मिल ही नहीं रहे थे पक्के टमाटर, तो हमें इसी तरह के टमाटर मिले हैं, जो हमें मिले हैं हम वही लेके आ गए। ये अब आप क्या ऐड करने लगे हैं इसमें? ऐसे भाई मैं अचार ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये मिक्स अचार है? जी, मिक्स अचार बना हुआ मिलता है। चावल जो है आप कितने केजी तैयार करने लगे हैं? 10 केजी। 10 केजी, तो इसमें अचार के कितने पैकेट आप डालने लगे हैं? छोटे 6 पैकेट। इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये ना हो कि खाया ना जाए? नहीं नहीं, मुनासिब मकदार के साथ ये 6 पैकेट डाल रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, इसका अच्छा टेस्ट होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब पानी आपने इसमें ऐड कर दिया, तो अभी आप इसके बाद चावल ऐड करेंगे? नहीं, इसके बाद नमक ऐड, नमक ऐड करेंगे। हसबे ज़रूरत नमक ऐड करें। ठीक है, हसबे ज़रूरत, ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और नमक ऐड कर लेंगे, बस ज़्यादा ना हो, कम हो जाए खैर है लेकिन ज़्यादा ना हो नमक, और ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ इसमें। इसमें देखें, ये दालचीनी, ये काली मिर्च, ये सफ़ेद ज़ीरा, ये मोटी इलायची। ठीक है, सही है, ये अब आप इसमें ऐड कर रहे हैं और ये सारा डाल देंगे? जी सारा डाल देंगे, 100 ग्राम इसकी मकदार है। 100 ग्राम जी। अच्छा से भाई, ब्लैक पेपर जी, ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आँच जल रही है, इसके नीचे ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तकरीबन कितने मिनट के लिए? 2-2.5 मिनट। 2-2.5 मिनट पानी बॉयल हो गया, इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसकी आँच को सेट कर लें, आँच थोड़ी सी कम मालूम हो रही है। अच्छा अच्छा, फाइनली अभी आँच तेज़ हो चुकी है इसकी। ठीक है, अब मतलब 2-2.5 मिनट तक इसे पकाना है। 2-2.5 मिनट तक हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ठीक है, फाइनली आसा भाई अभी हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, तो जैसे ये तैयार हो गया फिर आपको दिखाएंगे। अभी आप इसमें और पानी ऐड करेंगे या इसको दम पे लगाएंगे, क्या करेंगे? दम पर। अच्छा, फिलहाल आप अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। जी जी, मिक्स कर। और इसके बाद आप इसे दम पे लगा दें, और दम पे तकरीबन कितनी देर लगाएंगे? 20 मिनट। 20 मिनट
20 मिनट के बाद ये मतलब तैयार है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो आप अच्छी तरह पकाएंगे उसके बाद जाके दाम पे लगाएंगे ना, पानी खुश्क होगा, पानी खुश्क होगा फिर आप दाम पे लगाएंगे। अभी इसको लग जाएंगे 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट पा रहे हैं, इसको भी हम दम पे लगाएंगे तकरीबन कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। ये जगह बराबर किया से भाई, ठीक है, लेवल बराबर होना चाहिए, लेवल बराबर होना चाहिए बस। आप देख रहे हैं इसको आप कवर करके रख देंगे, कवर कर दिया। अभी इसको मैं लगाऊंगा कोयला, इसके ऊपर कोयला रखेंगे, इसके साइड पे लगाऊंगा, साइड पे। अच्छा, ये अभी इसको मैं कोयला लगा रहा हूं, ठीक है। एक बात याद रखिए आसिफ भाई, इसके जो कोयला लगा रहे हैं ना, ठीक है, इसकी मिकदार जो है कोयले की सब तरफ एक बराबर होनी चाहिए। अभी देख रहे हैं इस जगह पे, मतलब लेवल बराबर होना चाहिए, ये कम था, ये देखिए ये इस जगह पे कम है। अच्छा अच्छा, अगर किसी जगह पे कोयला ज़्यादा होगा तो वहाँ से चावल जल जाएंगे, चावल जल जाएंगे उस साइड से, साथ लग जाएंगे। देखिए अभी इसको 20 मिनट के बाद हम खोलेंगे, 20 मिनट बाद चलो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें आप चावल, चावल की लेंथ चेक करें आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के लग रहे हैं जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।